हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी और आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर वन है नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन जो है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये जो साइन है इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू इसके आगे रिपीट हो रही है। लाइक यहां से अगर आप फिर से इसका डिवीजन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 142857। इसी तरह से ये जो पूरी वैल्यू है ये रिपीट हो रही है, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। अब आपको ये बताना है कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है, और विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिवीजन करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये आपको ये बोल रहे हैं कि क्या आप इनकी वैल्यूज जो है बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना डिवीजन किए हुए निकाल सकते हो, इफ सो हाउ। तो अब आपको ये बताना है कि अगर येस तो इसका आंसर हमारा एक्चुअल में हो जाएगा येस, हम इसकी वैल्यूज जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। 2/7, सबसे पहले हम ये देखते हैं 1/7 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 0.142857 ये हमारा बार, ठीक है। अब 2/7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, फिर 3/7, 2/7 एक्चुअल में होता क्या है, 2 × 1/7, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और नीचे 7, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/7। इसी तरह से हम सारे नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 और 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.142857, ठीक है। और इसका जो ये बार है वो यहां हमें लगाना है। अब इसकी वैल्यू आप इजीली इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, और आपकी जो आंसर है वो आप यहां लिख सकते हो। तो इसको डिवीजन करने पर हमें क्या मिलेगा, 0.285714, और यहाँ जो है इसका 12 जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने आपके ऑलरेडी पहले निकाल के रखी है, ठीक है, ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। 3/7, 3 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर जी सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, 0.142857, और ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 0.428571, और ये इस पे 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 4/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 1/7, 5/7 क्या हो जाएगा, 5 × 1/7, 6/7, 6 × 1/7, ठीक है। इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, यहां 5 से हो जाएगा 0.142857, ये मल्टीप्लाई 6 × 0.142857, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू निकाली, आपको भी क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपको क्या आंसर मिलता है, ठीक है।